Hey guys, कैसे हो आप सब? आज शायद हम नोएडा मार्केट जाएंगे। हम लोग जल्दी जल्दी भात दाल बना लेते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है ना। ले दो आपके लिए। ये चिकन कारी है और ये कौन सा है? ये बिरयानी है। दोस्तों, मेरा भाई रोशन भी घर पे आ चुका है और मैं इससे पूछती हूँ कि ये मुझे ना रक्षाबंधन पे क्या गिफ्ट देने वाला है। कैप्टन रोल रोल हिस्ट्री इट कोई पानी नहीं करेगा। ये देखो देवांशी को देखो। हेलो दोस्तों, आज ना हमसे मिलने के लिए मेरे चाचा चाची आ रखे हैं द्वारिका से, और मैं ना चाचा चाची को काफी सालों बाद मिल रही हूँ, तो मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है कि वो हमसे मिलने आ रखे हैं। तो मैंने ना चाची को अपना बनाया हुआ सूजी का केक खिलाया। तो चाची, कैसा लगा आपको? इससे अच्छा केक मैंने कभी खाया ही नहीं। तो मैंने चाची को बोला है कि चाची, जब भी आपका मन करेगा ना केक खाने का, तो आप हमारे घर आ जाना। जरूर भाई, जरूर। और बाकी चाची बहुत शर्मा रही है ना, कैमरे में मतलब बदल गई है। और चाची कैमरे में बदल गई है, ये काम यार कभी करी नहीं ना, तभी तो पता। तो चाची बोल रही कि ऐसा काम कभी किया ही नहीं है ना, कैमरे के आगे बोला ही नहीं है। हम लोग इतने सालों से बोल रहे हैं, हमें खुद शर्म आती है। तो इसलिए चाची पहली बार बोल रही है ना, तो उनको शर्म आ रही है। पर केक बड़ा टेस्टी था। थैंक यू, थैंक यू। देवांशी कह रही है कि मेरा भाई है रुद्दू, बस और किसी का नहीं। मेरा भाई है, मेरा बेटा है वो। नहीं, वो मेरी चाची, मेरी नानी है, मेरी नानी है। दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं रक्षाबंधन की शॉपिंग करने के लिए। रुद्रांत अपनी बहन के लिए क्या गिफ्ट खरीदेगा ये तो देख गुड्डा ये तो देखना पड़ेगा, और मैं अपनी बहनों के लिए क्या गिफ्ट खरीदूंगा ये भी हमको वही देखना पड़ेगा। तो हम जा रहे हैं अट्टा मार्केट नोएडा। कहाँ जा रहे हैं हम? अट्टा मार्केट। हम कहाँ जा रहे हैं? नोएडा। नोएडा कहाँ जा रहे हैं? नोएडा। नोएडा। हम कहाँ जा रहे हैं? नोएडा। नोएडा। हम जा रहे हैं फोल्डा। दोस्तों, मेरा भाई रोशन भी घर पे आ चुका है, और मैं इससे पूछती हूँ कि ये मुझे ना रक्षाबंधन पे क्या गिफ्ट देने वाला है। रोशन, मुझे रक्षाबंधन पे क्या गिफ्ट देगा? जब मिलेगा तब पता चल जाएगा क्या देना है, पहले थोड़ी बताऊंगा, है ना? ये तो बड़े सस्पेंस वाली बात हो गई। जब रक्षाबंधन आएगा तब गिफ्ट भी पता चल जाएगा। मुझे लगा था कि ये मुझे ना अभी बता देगा कि मैं ये नहीं बताएगा, वो मामा नहीं बताएगा कि ये मुझे ये बाद में। ये तो मुझे ना बहुत ज्यादा सस्पेंस में रख रहा है। अब मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि मुझे क्या गिफ्ट मिलने वाला है। क्या मिलेगा मुझे? वैसे एक गिफ्ट तो दे ही रहा है वो हम सबको, तो बाद में देंगे। सस्पेंस है ये। वक्त जगा दे, वक्त जगा दे। हमारी देवांशी क्या सोच रही है? देवांशी को हम डॉक्टर शेड देंगे। हम लोग अट्टा मार्केट पहुंच चुके हैं। टेन तो परेशान ले रहे हो। हाँ।
अच्छा लग रहा है, ये बहुत सुंदर लग रहा है, बट ये मेरी बहन को पसंद आएगा? पहनती हो वैसे? चिकनकारी भी ऐसा कोई भी नहीं शख्स जो ना पार्टी वियर भी हो सकता है। अच्छा, इसको आप हर एज ग्रुप में चलता है, इसको नई लड़की पहन ले, बुजुर्ग पहन ले, अच्छा अच्छा दीदी पहन ले, सबके लिए। वो अपने तरीके से बनाते हैं ना, अपने तरीके से बनता है भैया। ये जो गद है भाव ऐसे। दोस्तों यहाँ से मैं अपनी बहन के लिए सूट ले रहा हूँ और मुझे ये अच्छा लग रहा है और बाकी देख रहे हैं हम। सो यहाँ पर ना मेरी सासू जी को भी एक सूट पसंद आ गया तो वो भी ले रहे हैं, देखते हैं। देवान जी खिलौने खिलौने। देवान जी को ना डॉक्टर सेट चाहिए तो देखते हैं क्या क्या है। नहीं हेलो गाइस, यहाँ से हम लोग रुद्रांश और देवांशी के लिए कुछ खिलौने ले रहे हैं। ले रहे तो आपके लिए। एक्टिंग कर रहा है ना, डरा नहीं तो है ना, लो पकड़ो। क्यों देवांशी ये ये क्या कर रही है? जा ले जा ले जा जा हम लोग बहुत सारी दुकानों में घूम गए लेकिन पसंद नहीं आ रहा है, अब हम वहीं पर जा रहे हैं जहाँ पर सबसे पहले खरीदा था, है ना। और इसमें ये उतने का ही है जितने का ये है, इतने का ही है ये। ये महंगा है, ये 1100 का पड़ेगा, ये 1300 का पड़ेगा, 200 का महंगा। और क्या क्वालिटी इसकी, डिजाइन की वजह से, कपड़े की वजह से, चीजें अलग है, कंपैरिजन नहीं है दोनों का। दोस्तों मुझे दोनों सूट अच्छे लग रहे हैं, इनमें से मैं कौन सा लूंगा ये तो आपको बाद में पता चल जाएगा जब रक्षाबंधन आएगा, लेकिन अच्छा लग रहा है मुझे ये। और ये भी, ये चिकनकारी है, और ये कौन सा है? ये बिरयानी है। इसमें पिंक कलर की चुन्नी है, इसमें ग्रीन कलर की है, और ये हमारा चिकनकारी है, ये पूरा पिंक है, पूरा पिंक है ये। मेरी बहन पूरी पिंक में लगेगी। सो एक ले लो राशि कोई सा भी, तीनों अच्छे हैं। हे गाइस, अभी मेरे पापा ना चप्पल ले रहे हैं, बहुत बड़ी चप्पल पहनी है पापा ने। ये 320 का है, ये 250 का है, तो मैं ये ले रहा हूँ। कर दो पैक। फाइनली हमने ना थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली है रक्षाबंधन की, और बाद में करेंगे रक्षाबंधन की शॉपिंग, आज के लिए बहुत है, बहुत गर्मी है दोस्तों। तेरी मुस्कुराहट है ताकत मेरी, मुझको कैसा लग रहा है? से उम्मीद बहुत बड़ी, जिंदगानी बड़ी खूबसूरत हुई, जन्नत क्या होगी कहीं, जो तू मेरा हमदर्द है। टच करो उस पे भैया, उनको बता दो, भैया उनको बता दो। हाँ आ जाओ आ जाओ, फेंकना मत उसको, शाबाश शाबाश। दोस्तों अभी हम लोग ना मेट्रो के डब्बे में बैठे, क्यों हमें कल जाना है इसीलिए। पता है हम मेट्रो में क्यों आए? क्योंकि मेट्रो में ठंडी ठंडी हवा चलती है। हम जा रहे हैं वेस्ट विनोद नगर। अच्छा हेलो करिए। अरे
दीवान से सोए सोए ना गिर गई थी, अभी मैंने बचा लिया। दोस्तों हमको घर पे आए हुए काफी टाइम हो चुका है, हमने ना डिनर भी कर लिया है। मेरे साली ने बनाई थी लौकी की सब्जी, बहुत ही मजेदार। सो हम लोग ना मार्केट से कुछ शॉपिंग करके लाए हैं रक्षाबंधन की, मेरी बहनों के लिए, और रुद्रांश अपनी बहन के लिए बाद में खरीदेगा क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी और हमको आना पड़ा घर। सो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं मतलब ओपन करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जो भी हमने सूट लिए हैं ना वो बहुत ही प्यारे हैं। सो मैंने अपनी बहन के लिए ना एक तो ये मेहंदी कलर टाइप का है, ये वाला सूट मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके साथ ना ग्रीन कलर की चुन्नी है और एक दूसरा भी है, जो भी पसंद आएगा मतलब मेरी बहनों को वो ले सकते हैं, जो भी मेरी बहनों को पसंद आएगा तो मतलब वो ले सकते हैं, है ना। तो एक ये भी है देखो, बहुत अच्छा है ये भी, बहुत अच्छा और अच्छी क्वालिटी के हैं ये। और मेरी सासू जी को भी ना एक सूट बहुत पसंद आया था तो हमने लिया, तो उनका हम दिखाते हैं आपको। इन सूटों के कपड़े की क्वालिटी ना बहुत अच्छी है और कलर भी बहुत अच्छा है। और ये देखो, ये देखो बहुत अच्छा है, और लड़कियों को तो पता चल ही गया होगा ना कि कैसा है ना, बहुत अच्छा है। सस्पेंस ज्यादा मत दिखाओ बहुत ही अच्छा कपड़ा है इनका और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ये सूट है, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। और अभी ये रक्षाबंधन की शॉपिंग ना सिर्फ 10% ही है दोस्तों, अभी तो मुझे अपनी भांजियों के लिए भी खरीदने हैं, है ना, भांजा भांजियों के लिए, मेरी बुआ है, और रुद्रांश को अपनी बहन के लिए खरीदना है, तो बहुत सी चीजें हैं, और राखियां खरीदनी है ना, राशि को खरीदने हैं, तो आज हो नहीं पाया। हम गए तो थे कि सारी चीजें खरीदे एटलीस्ट, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि गर्मी भी थी ना और हौच-पौच बहुत हो रहा था। तो हमने सोचा कि यार घर निकल जाते हैं क्योंकि सासू जी भी थी, है ना, और उनको उनको घूमने के लिए आना था, तो इसीलिए। और काफी ज्यादा लेट भी हो गया था ना, हाँ, इसीलिए मार्केट बंद होने लग गया था। लेकिन हमको ये सूट अच्छे मिल गए, सो हमने ले लिया। तो देखते हैं, आई होप कि आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आपको जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, हमारे ब्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, जल्दी मिलेंगे। लाइक करो रे, शेयर करो रे, सब्सक्राइब करो रे, सो जाओ रे।